यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम माइनक्राफ्ट में अपने वर्ल्ड की चीज़ें दिखाने वाले हैं कि अभी तक हमने क्या एक मिनट ये यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या बनाया है। क्योंकि मेरा भाई भी खेलता है माइनक्राफ्ट, वो बहुत दिन से कह रहा था तू क्या है माइनक्राफ्ट का नूब है, मैंने देख कितना सामान बना रखा है, ये और वो और फालतू बकवास। तो मैंने सोचा चलो आज तीनों के वर्ल्ड का कंपेरिजन हो जाए किसके में क्या क्या है। तो हमने अभी बेसिकली स्टार्ट किया है, तो हमने ये थोड़ा सा सर्वाइवल हाउस बनाया है जिसमें हमारे सामान काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ सामान है जो हमारे काम का है, एक गोल्ड एक डायमंड मिला था हमें, दो और मिले थे पर वो वेस्ट हो गए। तो ये हमारी शील्ड है जिसे हमें डॉच भी करना आ गया है। एक मिनट, यहाँ कोई चीचा खड़ा है, इधर आ रहे, इधर आ, डॉच करना आ गया है, अब मार के दिखा बेटे। अरे पर एक मिनट यार, ये कैसा, अबे पास तो जाने दो तभी तो मारूँगा, थोड़े मैं इससे साइड में जाता हूँ। ओ भाई, इधर आ, तेरी माँ की आँख यार, ये पास ही नहीं जाने दे रहा। एक मिनट में आया तू, तीरंदाज हो रहा है ना अब देख साले। अभी बताता हूँ, मैं बहुत दिनों से तेरा गेम ख़त्म करने के फिराक में था, अभी रुक, अब आ जा तूफान, तीर नहीं, ओ हो, तीर ही नहीं है। चलो इसे छोड़ो अभी, देखो हमें, मैं अपना वर्ल्ड दिखाता हूँ छोटा मोटा सा। ये हमने अपने खाने के लिए सामान उगाया था, गेहूँ उगाया था, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं इसलिए हम मांस मूस नहीं खाते, उन्हें परे हटाओ मांस को। बिल्ली आ रही है, इसे टेम कर लेता हूँ मैं, कोई तो फ्रेंड होगा, ये बिल्ली हमारी दोस्त बन गई है, एक और खा तो इसी बात पे। तो बेसिकली हमने बनाया था एक सर्वाइवल हाउस, और यहाँ पे थोड़ी फार्मिंग की थी, और हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं चलता हूँ अभी, तुम्हें दिखाता हूँ मेरे सेकंड भाई का वर्ल्ड जो मुझसे छोटा है, फिर दिखाऊँगा उससे छोटे का। तो तीनों में बताना किसका बढ़िया है, किसने ज़्यादा काम किया है अपने वर्ल्ड में। सब कुछ काम का है, इधर आ बेटा, तू बाहर आ गया, चलो मर गया ये। अब आ चुके हैं हम, मैं अपने सेकंड भाई के वर्ल्ड में, छोटे वाले के में। तो ये कैसी सी लोकेशन पे रहता है, ये कहाँ पे है भाई ये? अच्छा ये सैंड सिटी आया हुआ है, ये सैंड सिटी आया हुआ बंदा, इसे पता भी है सैंड सिटी में। चलो इसकी में सैंड सिटी मैं चल के देखता हूँ, इसके नीचे देखता हूँ क्या मिलेगा यार। इसके नीचे तो चार चेस्ट रखी है, पर यहाँ से कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा और फिर मुझे और कहीं लोकेशन पे स्पॉन होगा। तो मैं काम करता हूँ ना, साइड से खोदता हुआ चलता हूँ, इधर से खोदता हुआ चलता हूँ, नीचे जाऊँगा सीधा। तो एक मिनट रुको गाइस, मैं तुमसे अभी मिलता हूँ खोद के। अबे कहाँ खो गया, टॉर्च भी नहीं है हमारे पास तो। अच्छा आ गया, आ चुके हैं, बहुत पास आ चुके हैं, हट रहे इसमें चेक करो। क्या फुद्दू माल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक ये शेवल मिली है, तो घोड़े को पहना सकते हैं अपन, शेवल ही बोलते हैं ना इसे। देखो गाइस, मुझे अभी इतना पता नहीं है क्या क्या बोलते हैं। सेकंड चेस्ट में चेक करता हूँ, ये आवाज़ कहाँ से आई, कोई है क्या? ओ भाई ये क्या हुआ, लो हो गई कहानी खत्म। हम शायद अब इसके घर पे स्पॉन हो चुके हैं, यहां तो दिख ही नहीं रहा पर इसका घर, थोड़े सा आगे चल के देखता हूँ कहाँ पे रहता है ये। तो भाई देखो, ये तो मैन मेड है, ऐसे कभी सैंड में से पानी आता नहीं है, तो इसने ही बना। ओ हो, यहाँ रहता है ये बंदा, अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, काम तो किया है इसने अपने। पर ये क्या कंडा बना रखा है इसने, बेड कितने बना रखे है इसने, क्या पूरा पूरे माइनक्राफ्ट के सभी लोग यहीं रहने आ रहे हैं क्या भाई? कैसी सी लोकेशन बना रखी है इसने, मुझे समझ नहीं आ रखा।
यहाँ से ऊपर। हाँ एक बार इस पे चढ़ के दिखाता हूँ तुम्हें, इसका पूरा घर दिखाता हूँ तुमने, ऐसे कैसा बना रखा है इसने। तुम ऊपर से देखना, वो नीचे भेड़ पाल रखी है। देखो देखो, काम तो करना चाहता है पर ये ना थोड़ा सा गलत इंजीनियर हो गया। इसने बीएसए इंजीनियरिंग कर ली ना, इसने बीएसए इंजीनियरिंग करी तो इसे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है भाई। है थोड़ा बहुत काम है, और नीचे चल के देखता हूँ इसने क्या क्या बना रखा है। और इसका थोड़ा सा सामान चला गया है, वेस्ट हो गया है मेरे से। ये एक रूम है भाई, ये क्या है, ये तो एक रास्ता नीचे जा रहा है, इसे बाद में चेक करेंगे, पहले तुम यहाँ चेक करो। ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये सामने एक रूम है जो अभी खाली है। अब नीचे चल के देखते हैं इसमें क्या बना रखा है। बहुत तेज चलेंगे क्योंकि नीचे जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो गाइस आ चुके हैं हम नीचे एकदम टॉप पे, यहाँ इस चेस्ट में खाली है। तो ये बंदा यहाँ पे माइनिंग करता है और अपना माल इसमें रख देता है चेस्ट में। चेक करते हैं कैसी माइनिंग करता है ये। तो देखो मेरा वर्ल्ड हो चुका है, मेरे वर्ल्ड में है एक सर्वाइवल हाउस और खाने के लिए फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसने बंदे ने बना रखा है एक मेंशन, पर वो मेंशन किस टाइप से है मुझे पता नहीं है, वो मेंशन ही कहता है खुद के इस घर को। ये तो भाई थोड़ी डेंजरस लोकेशन है, चल देता हूँ मैं इधर से। चलो भाई वापिस चलो। अबे कौन, अबे की क्रीपर कहाँ से आया, मैं निकल लेता हूँ, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है ना। मेरे पास कोई शील्ड है ना आर्मर है, ये मुझे मार पेल देंगे। तो मैं कहाँ था, और अब आप बचाए हमारे सबसे छोटे भाई का जो हमें कहते रहता है तुम्हें क्या पता मैंने क्या क्या बना रखा है अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। तो जाके उसका चेक करना है, फिर तीनों में गाइस आपको बताना है कि किसका बेस्ट है माइनक्राफ्ट के हिसाब से। ऐसे नहीं कि कोई भी फुद्दू सामान बना दिया किसी ने भी, बस सामान भरने से काम नहीं चलेगा, होना चाहिए। इसे मैं यहीं बंद कर देता हूँ, अपने आप निकाल लेगा जब जरूरत पड़ेगी। ये आ चुके हैं हम अपने सबसे छोटे वाले के वर्ल्ड में। लो बंदा भाई साहब, बंदा कहीं जा रहा है ना उसे। अब मुझे क्या पता इसका घर किधर है, पहले मैं खाना खिला देता हूँ, मर जाएगा ना, इसने आर्मर पहने है। वैसे सामने की तरफ है तो बैक में होगा इसका घर, है ना, सही है एकदम। जल्दी से चलता हूँ। हाँ भाई कुछ तो दिख तो रहा है, दिख तो रहा है भाई, ये रहा इसका घर। क्या बना रखा है इसने, अभी जाके चेक करते हैं कैसा सा घर है इसका और क्या क्या इसने काम किया है अपने वर्ल्ड में। पहले चल के मैं सो जाता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इसमें जाके देखते हैं इसने क्या बना रखा है। ये मुझे पता है इसने सबसे पहले बनाया था, जब मुझे दिखा रहा था कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने कि जमीन के नीचे क्यों रहता है, ऊपर रहना, जब मुझे यहीं रहना है भाई। इसने इससे कुछ खास है नहीं, ओ भाई इसने तो आयरन के तो ब्लॉक्स लगा रखे इस बंदे ने। ये यहाँ से इसका बैक आने का रास्ता, अभी बाहर कहाँ से निकलूँ इसमें, किधर से होगा इसका रास्ता, एक मिनट ये रहा, बंद कर देता हूँ, भीड़ बाहर आ जाएगी। ये हो गया, अब इसके बाद चेक करते हैं ये सामने क्या बना रखा है इसने। माई वो
पता नहीं क्या लिख रखा है, यही जाने और इसका काम जाने। एक बार ऊपर चलता हूँ भाई, लहर रहा हूँ मैं तो ऊपर चढ़ते टाइम। अच्छा ये इसने देख रेख के बना रखा है, यहाँ पे रहता है कभी कभी, वो चेक करता रहता है अपने वर्ल्ड को, मैंने कितना काम किया कहाँ। एक और बना रखा है इसने, आगे चल के देखता हूँ मैं। पहले तो मैं ये देखो, सऊदी की खेती कर रहा है यहाँ पे बंदा। ये कुछ भी नहीं है, मैंने इससे कहा था जाके विलेज ढूंढ ले, वहाँ रहने लग जाना। नहीं मुझे तो यहीं रहना पानी पे। इसने जो भी ये मेंशन बनाया है ना, पूरा पानी पे बनाया। मैं भी मेंशन कह रहा हूँ, हाँ मेंशन ही यार मेरे मुकाबले तो पूरा भाई, गिरूंगा मैं तो। दिख रहे हैं ओहो, चार बेड इधर हैं, क्राफ्टिंग टेबल और ऊपर जाना है अभी तो भाई। लहर रहा हूँ मैं तो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। और दो बेड इधर, मुझे इसके है ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा इसका काम। इतनी ऊपर आके रहने क्या फायदा, अपने मेंशन में रहो। यहाँ से तो नीचे कूद ही जाऊँगा मैं, जंप लगा दूंगा भाग के बेड पे से, सीधे पानी में गिरूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉल, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, दोबारा चलते हैं। एक बार इसका सामान उठा लेता हूँ, इससे पता लगा ना मैंने इसका कुछ गिरा दिया है और वापस नहीं लिया है। भाई बंदा मेरे नादों के पीछे पड़ जाएगा जान पे। और कुछ रह तो नहीं गया ना, हाँ सब कुछ आ गया। ये रह ली ये पिकैक्स। अब तुम्हें दिखाता हूँ इसका, एक बार तुम इसकी इंजीनियरिंग देखो, इसका कारीगरी देखो, गेट देखो कैसे लगा रखा है पागल ने। इसका घर, यहाँ पे इसने कैंप फायर लगा रखा है, जहाँ पे ये स्विमिंग पूल। ओ हो हो हो, इसके नवाबी शौक, यहीं नहाऊंगा, यहीं सीखूंगा, यहीं आग सेकूंगा, यहीं मौज करूंगा। ठीक है हम भी ठंडे, ठीक है हम भी सूख चुके हैं। अरे ये दीवार कैसी बना रखी है इस पागल ने। अब इसके अंदर चेक करते हैं इसके घर में। भाई बेड ही बेड बना रखे है, अकेला बंदा है, अकेला बंदा है। और मुझे समझ नहीं आता इतने बेडों का करेगा क्या ये। एक बार ऊपर चल के देखता हूँ, एक कैंप फायर इधर है, दो। और इसने ये क्या बना रखे है भाई, ये मैंने अभी तक नहीं बनाए, ये पर्दे से ऊपर। ओ ये इसका मेन रूम है जहाँ पे इसने काम तो किया है, काम चल रहा है अभी। पेंटिंग्स देखो, मैं तो मेरे में तो ये कुछ भी नहीं है। बेड ये देखो, मैट, भाई काम तो किया है बंदे ने भाई। कैसा भी हो, आर्मर छोटा हो या पूरा नया, पर आर्मर देखो बंदे का। और लास्ट चीज इसकी, ये नेदर पोर्टल, जिसके दम पे बहुत तो चलता है कि भाई मेरे पास नेदर पोर्टल है, तो बस कुछ नहीं है, तू नल्ला है। तो एक बार नेदर में चढ़ के दिखाते तुम्हें। ये आते ही किसने पेल दिया यार, ऐसे स्वागत नहीं करते हैं। अच्छा इस बंदा यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है ये, अरे नेदर में मिलता क्या है मुझे तो अभी पता भी नहीं है, मैं एक बार गया भी नहीं हूँ नेदर में। और ऊपर है, अभी चल के दिखाता हूँ तुम्हें। हट, गिर गया यार मैं, दोबारा चलता हूँ। यहाँ से इधर से जंप लगाऊं क्या मैं, भाई नीचे तो लावा ही लावा है और ये कैसी लाइट जल रही है। एक बार मैं तुम्हें साइड से जाके दिखाता हूँ ना, देखो ये रही, क्या बोलते हैं इसे, ये जो सामने है ना, ये चुड़ैल, ये भाई साहब बहुत खतरनाक है, खा पी जाती है, पता नहीं कैसा डैमेज देती है। मेरी वैसे भी आधी हेल्थ है, पर मैं नीचे चलता हूँ खोदते खोदते हुए। देखो वो रही, वो कूद रही, बिना आर्मर्स के आना, बिना डायमंड आर्मर के आना और बिना तैयारी का आना नेदर में, मतलब कि मौत को बुलावा देना है अपनी को। बस बहुत हो गया, एक बार नीचे चलता हूँ मैं खोदते हुए, जल्दी जल्दी खोदता हूँ। ये मैकमा ब्लॉक, इन्हें कलेक्ट करता हूँ, बंदा खुश हो जाएगा एक बार देख के। इनका काम क्या है पता नहीं, पर कलेक्ट कर लेता हूँ। ओ भाई ओ मरा, अबे जल्दी जल्दी कर, जल्दी 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 जल्दी, बच गया भाई साहब।
जल्दी कलेक्ट कर, खाना लाया ही नहीं हूँ यार मैं जो खाता। सारे कलेक्ट कर लूँगा, नीचे चलता हूँ अब। भाई लावा, किस्मत अच्छी है जो बच गया, ब्लॉक लगा देता हूँ। हट यार। तो बस गाइस यही थी आज की गेम प्ले वीडियो, लाइक मारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे एक और धांसू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।